हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMT कैरियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि डिस्कस करने वाला हूँ नेटवर्क थ्योरी। और मैंने ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया है आपका KCL सेलेक्ट किया है, नोडल एनालिसिस, क्योंकि जितने भी आपके जैसे एनालॉग सर्किट हो गए आपके, उसमें आपके ओप एम्प BJT, तो जितने भी हैं सब में जो उसका एनालिसिस होता है सॉल्व करने के लिए, सब में नोडल का यूज होता है। तो मैंने इसलिए सबसे पहले नोडल एनालिसिस ही स्टार्ट किया हूँ। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और पहले जो आपके चल रहे थे क्वेश्चंस वाले वो चलते रहेंगे। तो जिन लोगों को डाउट होता है कि नोडल का कैसे सॉल्व करें बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसमें आपको समझ में आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका KCL, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप ये बोर्ड पे देख सकते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि क्वेश्चंस हैं आपके गेट और IAS ISRO, इस सब के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ एकदम डिटेल में। सो आप लोग चैनल से बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि KCL, तो KCL क्या होता है। तो सिंपली सबसे पहले क्या है कि KCL जो है डिफाइंड होता है आपको नोड पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड एट, यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड एट ए नोड, जो KCL है आपके। सो नोड्स के दो टाइप होते हैं, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। तो देख सकते हैं कि सिंपल नोड जो आपका ये सिंपल नोड है, तो क्या है, इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांचेस, सिर्फ दो ब्रांच का इंटरकनेक्शन सिंपल नोड होता है। और जो आपका प्रिंसिपल नोड है, सो ये होता है इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एटलीस्ट थ्री ब्रांचेस, सो कम से कम थ्री ब्रांच का होना जरूरी है आपके प्रिंसिपल नोड के लिए। उसके बाद आपका KCL का डिफिनेशन है, सो इसमें देख सकते हैं कि इन ए लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एनी ऑफ इट्स नोड एंड एट एनी टाइम टी द अल्जेब्रिक, यहाँ पे अल्जेब्रिक सम इम्पॉर्टेंट है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करेंट लीविंग द नोड इज जीरो। सो ये आपका इसका डिफिनेशन है, दैट मीन्स कि किसी भी नोड पे आपका जो लिविंग करंट का अल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपके ये नोड है, और देख सकते हैं ये I1, I2 ये इनकमिंग है, I3, I4, I5 आउटगोइंग है। सो सिंपली बाय KCL समेशन ऑफ लिविंग करंट इक्वल टू जीरो। सो इनकमिंग को निगेटिव लेंगे और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेंगे, तो मेरा पूरा अप्रोच जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा यही होगा। सो माइनस I1 माइनस I2 देख सकते हैं, I1 I2 इनकमिंग है, I3 I4 I5 आउटगोइंग है, सो ये पॉजिटिव इक्वल टू जीरो। सो I1 प्लस I2 क्या हो गया आपका, I3 प्लस I4 प्लस I5 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट ये था आपका KCL। नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं उसमें आपके कि इसके क्या स्टेप्स हैं, हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम नोड को आइडेंटिफाई करेंगे, और नोड जो होनी चाहिए वो प्रिंसिपल नोड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स दैट इज प्रिंसिपल नोड। उसके बाद क्या करेंगे, असाइन नोड वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, जो नोड आप सेलेक्ट करेंगे उसको उस नोड पे आप वोल्टेज असाइन करेंगे, ठीक है, विथ रेफरेंस टू ग्राउंड नोड। तो और जो कॉमन आप सर्किट में एक ग्राउंड करेंगे, क्वेश्चन में समझ में आएगा आपका जब ये क्वेश्चन करेंगे। सो रेफरेंस ग्राउंड नोड हुज वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो जो ग्राउंड नोड होता है उसके ग्राउंड पे वोल्टेज आपका जीरो होता है, उसी को ग्राउंड बोलते हैं। और थर्ड जो कि बाई यूजिंग KCL, फर्स्ट पहले KCL यूज करेंगे, इसके बाद एंड द ओम्स लॉ नेक्स्ट, एंड देन फिर राइट नोडल इक्वेशन, सो नोडल इक्वेशन लिख लेंगे। सो ये था आपका बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन KCL और नोडल एनालिसिस का। सो हम आज के सेशन का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि सर्किट जो है उसको कैसे हैंडल करें। तो डिटेल में थ्योरी तो आपको बहुत सारे बुक्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसे आप लोग अगर कहेंगे तो इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देख सकते हैं ये गेट 2014 का क्वेश्चन है, सेट 2 में आया था। और इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन द फिगर सोन
the value of current I in amperes, और ये fill in the blanks वाला था. तो गेट में क्या है, 2014 से ही स्टार्ट हुआ था fill in the blanks वाले questions, तो उसमें ऑप्शन नहीं देते हैं. तो यहाँ पे आपको I की वैल्यू बताना है. तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले नोड हम असाइन करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं नोड. और नोड के लिए, प्रिंसिपल नोड के लिए क्या था कंडीशन, कि एटलीस्ट 3 ब्रांच होना जरूरी है. सो देख सकते हैं ये दो है सिंपल नोड, सिंपल नोड. सो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल नोड. तो ये नोड है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या था आपका कि असाइन नोड वोल्टेज. सो नोड वोल्टेज यहाँ पे मैं भी एज्यूम कर लेता हूँ, असाइन कर देता हूँ. और यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में आपका करंट का डायरेक्शन गिवेन है. अगर डायरेक्शन गिवेन नहीं रहेगा तो मैं सबको एज्यूम कर लूँगा कि सारे लीविंग करंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा वो. अगर क्वेश्चन में ये जो डायरेक्शन है वो असाइन है तो आपको उसी डायरेक्शन में लेना होगा. अगर इनकमिंग है तो इनकमिंग, आउटगोइंग है तो आउटगोइंग. आप क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते. अगर नहीं असाइन है करंट का डायरेक्शन फिर आप असाइन कर सकते हैं. और यहाँ पे जो नोडल वोल्टेज होता है उसको हम सुपीरियर नोड वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे जितने वोल्टेज हैं मैं सबसे ज़्यादा इसको सुपीरियर मानूंगा कि ये जो V है आपके वो ग्रेटर देन 5 वोल्ट है. अगर यहाँ पे भी कोई सोर्स होता उससे भी ग्रेटर होता तो ये हमेशा सबसे ज़्यादा होगा ये नोडल वोल्टेज. और उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन ग्राउंड कर देते हैं जो होता है 0 वोल्ट. अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो आपका इनकमिंग क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ आउटगोइंग है. और यहाँ भी आउटगोइंग है क्योंकि इस दोनों ब्रांच में, ये ब्रांच और इस ब्रांच में आपका डायरेक्शन असाइन नहीं है. सो अब यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो करंट है, समझिए कि अगर ये मैं थोड़ा सा एज्यूम कर लूँ कि ये I1 है, ये I2 है और ये आपका I3 है, I3 है. सो KCL से क्या होगा यहाँ पे, बाय KCL क्या होता है, समेशन ऑफ लिविंग करेंट इक्वल टू 0 होता है. सो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे I1 प्लस I2 और ये क्या है आपका इनकमिंग है, इस नोड पे आता हुआ दिख रहा है आपको. सो ये क्या हो जाएगा माइनस I3 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे I1 क्या है, I1 V, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. सो क्या होगा V माइनस ये क्या है आपका 5 वोल्ट. सो 5 अपॉन 5 प्लस I2 क्या है V, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको 0 वोल्ट, बिकॉज ये भी 0 वोल्ट है. ठीक है, सो माइनस 0 अपॉन ये आपका सीरीज में है देख रहे हैं, ये यहाँ पे सेम करंट ये फ्लो होगा जो कि I है आपका, सेम करंट फ्लो होगा. सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 प्लस 10 ये आपका 10, और जो I3 गिवन है 1 एम्पियर, सो 1 इक्वल टू 0. अब ये क्या हो गया V माइनस 5 अपॉन 5 प्लस V अपॉन 15 माइनस 1 इक्वल टू 0. 15 LCM. सो क्या हो जाएगा, ये 3V माइनस 15 प्लस V माइनस 15 इक्वल टू 0. सो 15 इधर गया तो 0 हो गया. सो क्या हुआ 3V प्लस V क्या हो गया 4V, और ये क्या हो गया आपका माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30 इक्वल टू 0. सो V इक्वल टू 30 अपॉन 4. सो V आपका 30 अपॉन 4 हो गया ये वोल्ट. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा है कि करंट I यहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो I जो है आपके I2 के इक्वल है, I2 के इक्वल है आपके I. सो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू V जो कि नोडल है, V में क्या लिखा है मैंने V माइनस 0 अपॉन 15, V अपॉन 15. सो V आपका क्या है वोल्टेज, यहाँ से आया 30 अपॉन 4. सो 30 अपॉन 4 अपॉन 15. सो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 4 इंटू 15. सो 15 टू जा सो क्या हो गया 1/2 एम्पियर. सो I क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर. सो यहाँ पे फिल इन द बैलेंस में क्या लिखना था, यहाँ पे सिंपली कि ये 0.5 एम्पियर, यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0.5 एम्पियर. सो ये आपका आंसर हो गया.
सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि गेट 2004 से 2 में आया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यूपीएससी जो आईएएस कंडक्ट करती है इसी ब्रांच के लिए 2010 में आया था. इसमें आपको पूछा है कि ये जो लोड रजिस्टर है इसके थ्रू करेंट क्या होगा, आईएल क्या होगा. सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस. सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी नोडल से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नोड असाइन करेंगे. सो प्रिंसिपल नोड, नोड आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आपका नोड हो जाएगा प्रिंसिपल नोड. यहाँ पे नोड असाइन कर देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं ग्राउंड कर दे रहे हैं. अब नोडल एनालिसिस कर रहे हैं. सो करंट को क्या कर रहे हैं, हम सबको आउटगोइंग एज्यूम कर ले रहे हैं. और ये जो आपका वी है जो नोडल वोल्टेज, वो सुपीरियर वोल्टेज है, यानी कि जितने भी ये वोल्टेज है सबसे ज़्यादा एज्यूम कर रहे हैं कि लिविंग है. सो नोडल बाय नोडल एनालिसिस. क्या होगा कि देख सकते हैं इसको अगर आप I1, I2, I3 यानी समेशन ऑफ लिविंग करेंट इक्वल टू जीरो होता है. सो सिंपली I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा. सो ये I1 देखते हैं, V माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों वोल्टेज का एडिशन हो जाएगा. सो सिंपली 220 प्लस 200 अपॉन 120 प्लस I2 क्या हो जाएगा V, ये जीरो वोल्ट है आपका. सो V माइनस ये अपॉन 60. सो V माइनस 220 प्लस 200 अपॉन 60 और ये लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा प्लस V माइनस जीरो. ये देख सकते हैं कि यहाँ जीरो है, दैट मीन्स कि यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है. सो वी माइनस जीरो अपॉन आर एल दैट इज 30 इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा. सो सॉल्व करते हैं. सो ये क्या हो गया वी माइनस 420 अपॉन 120 प्लस वी माइनस 420 अपॉन 60 प्लस वी अपॉन 30 इक्वल टू जीरो. एलसीएम लेते हैं, 120 एलसीएम आएगा. सो सिंपली वी माइनस 420 ये 62 जा, सो 2 भी माइनस 840 और 34 जा, सो 4 भी इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया. सो सिंपली ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा. सो मैं इधर, सो अब वी प्लस 2 भी 3 भी और 4 भी क्या हो गया 7 भी और 420 840 कितना हो गया आपका 1260. सो माइनस 1260 इक्वल टू जीरो देख सकते हैं. सो सिंपली इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1260 अपॉन 7. सो इसको 7 वन जा 180. सो V क्या हो गया आपका 180 वोल्ट. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये वोल्ट है, क्वेश्चन में आपका वोल्टेज नहीं पूछा है. क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे आई एल क्या होगा, यानी कि ये करंट क्या होगा आई थ्री. सो आई थ्री इक्वल टू आई एल इक्वल टू क्या होता है करंट इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर. सो वी क्या है आपका वी अपॉन आर एल. सो वी है 180 और आर एल है आपका 30. सो ये हो जाएगा 6 टाइम. सो आपका करंट थ्रू 30 ओम हो जाएगा 6 एम्पियर. सो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ऑप्शन में वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे तो उसमें आपके 6 एम्पियर हो जाएंगे. सो ये आपका आंसर है. सो देख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख सकते हैं ये गेट 2001 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कम से कम तो 4 to 5 मेथड से होगा और मैं सारे मेथड से आपको अपकमिंग जो भी वीडियो आएंगे तो मैं इसको बताऊंगा कि मेस एनालिसिस से कैसे सॉल्व करें, केवीएल, एसपीटी, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन सबसे ये सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है फॉर गेट एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे नोडल, वो सबसे बेस्ट मेथड इसके लिए एप्लीकेबल है. और यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूँगा तो मैंने
जो प्रीवियस जो वीडियो बनाए हैं उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे मैंने डिस्कशन किए हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर आपका करंट सोर्स है और यहाँ पैरेलल में एक रजिस्टर है आर, ये आई है, तो ये इक्वल होता है आपके वोल्टेज जो कि वी इक्वल टू आई आर, यही आर, और यहाँ सीरीज में रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। और अगर वोल्टेज से हमें कन्वर्ट करना हो तो सिंपली यहाँ पे आई इक्वल टू वी अपॉन आर और पैरेलल में रजिस्टर लगता है। तो ये है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट में आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पहले अप्लाई करूँगा। सो इसको फिर से करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 वी इक्वल टू, सो 8 है आपका आई और ये है आपका आर, यहाँ पे आपका हो गया 10 ओम, ये आपका यहाँ 2 ओम है, सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इस सेक्शन का। सो क्या हुआ, V इक्वल टू क्या होता है आई आर 8 इंटू 10 और जो रजिस्टर पैरेलल में था उसको मैंने सीरीज में रख दिया और एज इट इज फिर जो सर्किट है वो मैंने रख दिया। ये है आपका 6 ओम और ये है आपका 16 वोल्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, ये ई नोट है, ई नोट है, यहाँ पे शॉर्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या है ई नोट है और यहाँ पे भी क्या है ई नोट है। तो नोड वोल्टेज को एज्यूम करते और नोड भी आपका ये देख सकते हैं यही है, तो नोड वोल्टेज को असाइन कर लेते हैं कि नोड वोल्टेज जो है वो आपका ई नोट है, ये आपका ई नोट है। सो यहाँ पे करंट असाइन कर लेते हैं सारे आउटगोइंग में, ये मैंने कर लिया। अब नोडल अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे बाय एनडीएमएस नोडल एनालिसिस, मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, वी माइनस इस करंट के लिए वी माइनस 80, 8 इंटू 10 क्या है यहाँ पे 80 वोल्ट, सो 80 अपॉन ये दोनों सीरीज में है 10 और 2, सो सिंपली 10 प्लस 2 अपॉन और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ये 0 वोल्ट। सो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ये 0 वोल्ट, तो ये आपका 0 वोल्ट है। सो ये क्या हो जाएगा E नोट और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 16 अपॉन 6, ये रजिस्टर और ये आपका हो रहा है ई नोट माइनस 0, ई नोट माइनस 0 अपॉन 12 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते इसको सिंपली, ये क्या है 10 प्लस 2 ये है आपका 12, सो एलसीएम आया 12, सो वी माइनस 80, तो वी यहाँ पे क्या है आपका ई नोट है, तो सिंपली मैं यहाँ पे ई नोट ले लेता हूँ। सो ई नोट माइनस 80 प्लस ये 2 जा 2 ई नोट माइनस 16 इंटू 2 32 अपॉन सॉरी प्लस ई नोट इक्वल टू 0, 12 आपका चला जाएगा इस साइड 0 हो जाएगा। सो क्या हुआ ई नोट प्लस 2 ई नोट 3 ई नोट प्लस ई नोट 4 ई नोट और ये 80 और 30 क्या हो गया माइनस 112 इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, सो 4 ई नोट क्या हो जाएगा आपका 112, सो ई नोट क्या हो जाएगा 112 अपॉन 4, सो 4 2 जा 4 8 जा, सो ई नोट कितना आ गया आपका 28 वोल्ट, ये आपका आंसर है। ये आपके गेट 2001 का था, तो मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किए। तो नेक्स्ट जो सेशन हमारा, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट सेशन में मैं और भी क्वेश्चंस इसके नोडल के डिस्कस करूँगा, फिर मेंस एनालिसिस और आगे इसको बढ़ाऊँगा और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेशन ये सारे भी आपके पैरेलली चलते रहेंगे और मैथ का भी मैं स्टार्ट किया हूँ क्लास, तो वो भी वीडियो आप लोग देखें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और
ऐसे ही चैनल पे बने रहे, आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून्ड CMT, बाय बाय।